हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल आज है हमारा लेक्चर नंबर सेवन आपके कॉमर्स टू में चैप्टर नंबर फाइव का जहाँ पे हम ई e कॉमर्स पढ़ रहे हैं अब वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में बी टू बी देख लिया था एंड बी टू सी कर लिया था आज हम पढ़ने वाले हैं सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बारे में कि काफ़ी सारी ऑनलाइन uh, साइट्स ऐसी अवेलेबल है जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर रहती है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस कंज्यूमर टू कंज्यूमर होते हैं मतलब बाइंग एंड सेलिंग होगा बिटवीन कंज्यूमर एंड कंज्यूमर जैसे कि बी टू सी में हमने देखा था बाइंग एंड सेलिंग होता है ट्रेडिंग होता है बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर अब यहाँ पे क्या होगा एक कंज्यूमर सेल कर रहा है एंड दूसरा बाय कर रहा है जैसे एग्ज़ाम्पल हम देखें ओ एल एक्स है क्विकर डॉट कॉम है ठीक काफ, है काफ़ ई बे है ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो बताते हैं जो है सी टू सी के कंज्यूमर टू कंज्यूमर अब यहाँ पे क्या होने वाला है जो वेबसाइट है वो एज ए इंटरमीडियरी काम करेगी वो सप्लायर की नहीं रहेगी ठीक है वो इंटरमीडियरी काम कर रही है बायर एंड सेलर को मिलाने का काम कर रही है मतलब दो कंज्यूमर को मिलाने का काम कर रही है ताकि उन दोनों के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन हो सके तो चलिए मीनिंग देखते हैं उसका नाउ सी टू सी इज़ अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स वेर कस्टमर सेल्स टू अनदर कस्टमर देखिए एक कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा है मतलब कि वेबसाइट के लिए तो दोनों ही कस्टमर ही है नाउ थ्रू द इंटरनेट कस्टमर्स सेल द प्रोडक्ट्स टू अदर कस्टमर्स थ्रू क्लासिफाइड एड्स मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑप्शंस कैसे सेल किया जाता है देखो एड होते हैं वहाँ पे वेबसाइट पे मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे एंड ऑप्शन उसके थ्रू सेलिंग किया जाता है कंपनीज लाइक ई मे डॉट कॉम अमेजोन डॉट कॉम क्विकर डॉट कॉम एक्सेट्रा हैव मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सी टू सी मोर पॉपुलर ठीक है उनकी वजह से सी टू सी काफ़ी पॉपुलर हुआ है जैसे हम सर्विसज़ के रिलेटेड बात करें तो नौकरी डॉट कॉम भी सी टू सी हो जाएगा वहाँ पर क्या हो रहा है एक पर्सन को ज़रूरत है कि वहाँ पर उसके वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है कोई और पर्सन जॉब फाइंड कर रहा है ठीक है तो वहाँ ये जो एक पर्सन सर्च करेगा और उसको दूसरे पर्सन को जॉब मिल रही है वो भी सी टू सी ट्रांजेक्शन हो जाएगा ठीक है तो वो सर्विस रिलेटेड हो जाएगा एंड यहाँ पर गुड्स बाइंग एंड सेलिंग होते हैं तो ये सारे ही एग्जाम्पल हो जाते हैं सी टू सी ट्रांजेक्शन के नाउ अपार्ट फ्रॉम सेलिंग गुड्स द सी टू सी मॉडल फैसिलिटेट्स सेल ऑफ पर्सनल सर्विसेस और एक्सपर्टाइज ऑनलाइन देर आर नंबर ऑफ सी टू सी एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस सम ऑफ़ द एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस आर फ्री सर्चेस आस्कमी डॉट डॉट कॉम एंड यहाँ पे क्या होता है ये सर्विस रिलेटेड साइट्स है जहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्रीली दी जाती है सम अलाउ देर एक्सपर्ट्स टू नेगोशिएट फीस विथ क्लाइंट्स कोई कोई साइट्स पर क्या होता है जो एक्सपर्ट है जो क्लाइंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो फ्री नहीं रहती है कुछ फीस चार्ज की जाती है एंड वो फीस फीस नेगोशिएबल होती है फॉर इंस्टेंस infoRocket.com बिडिंग डॉट कॉम सिस्टम अलाउस अ पर्सन हु सबमिट्स क्वेश्चन टू रिव्यू द प्रोफाइल ऑफ द एक्सपर्ट्स हु ऑफर्स हु ऑफर टू आंसर द क्वेश्चन वेन द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन एक्सेप्ट एंड एक्सपर्ट्स ऑफर इनफो रॉकेट डॉट कॉम बिल्ड द पर्सन क्रेडिट कार्ड डिलीवर द आंसर एंड टेक्स अ ट्वेंटी परसेंट कमीशन देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है अब इस साइट पे क्या होता है बिडिंग सिस्टम है जहाँ पे पर्सन कुछ क्वेश्चन सबमिट करेगा ठीक है अब क्या होगा आगे हाँ अब आगे क्या होने वाला है द एक्सपर्ट हु आंसर टू द क्वेश्चन ना वेन द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन एक्सेप्ट्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफर अब जो भी क्लाइंट है जो कस्टमर है उसने एक्सपर्ट की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद क्या होता है उसके बाद वो सामने वाला पर्सन एक्सपर्ट बिल करता है तो उसके क्रेडिट कार्ड से थ्रू क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया जाता है ठीक है तो ये कुछ सिस्टम डेवलप हुई है इन डॉट कॉम पर जहाँ पर सर्विसेस प्रोवाइड की जाती है एंड ये है सी टू सी अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सी टू सी प्रोसेस अब आगे भी हमने प्रोसेसिस uh, देखी थी एक्टिविटीज़ देखी थी बी टू सी में भी हमने पढ़ा था तो अब यहाँ पे क्या होता है एक्टिविटीज़ में सबसे फर्स्ट आएगा रजिस्ट्रेशन <coughs> कोई भी वेबसाइट हो हमें ट्रांजेक्शन वहाँ पे करना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है हमें वहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा एंड वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो भी हमने देखा था कि वहाँ पे जो फॉर्म रहता है वेबसाइट पे जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है वो हम करेंगे पर्सनल डिटेल्स रहती है लोकेशन डिटेल रहती है ई मेल रहता है ठीक है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं एंड फिर हम वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन Under the C2C model, the customer who want to sell and the customer who wants to buy, ये दोनों ही register करेंगे यहाँ पे need to register with the site. The site acts like a virtual market where the products are auctioned. ठीक है ये कैसा uh, market बन जाएगा virtual market, physical market नहीं है हम through internet देख रहे हैं कौन सा product uh, selling हो रहा है ठीक है and कौन सा product हमें buy करना है तो वर्चुअल मार्केट हो जाएगा वेद द प्रोडक्ट्स आर ऑक्शन, प्रोडक्ट्स ऑक्शन किए जाएंगे ऑक्शन का मतलब एक प्रोडक्ट सेल का सेल हो रहा है होने वाला है उसके लिए काफ़ी सारे बायर्स हैं जो उनकी प्राइस बताएंगे एंड फिर वहाँ से बाइंग होता है एंड सेलिंग होता है नाउ ऑक्शन, उसके बाद होगा ऑक्शन ऑक्शन टेक्स प्लेस एट द साइट डिफरेंट बायर्स मे कोट देर रेट्स फॉर बाइंग द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द सेलर ठीक है डिफरेंट बायर्स बहुत सारे बायर्स होंगे जो उनकी प्राइस उनके रेट्स बताएंगे कोई भी प्रोडक्ट है तो बायर बताएगा कि हाँ मुझे इस प्राइस पे ख़रीदना है वैसे दूसरा बायर उसकी प्राइस बताएगा बहुत सारे प्राइजेस या रेट्स बताए जाएंगे ना उसके बाद थर्ड सेल होगा द बायर हु हैज़ कोटेड द हाइएस्ट बीट प्राइस अभी ऑफकोर्स हमें भी कुछ प्रोडक्ट uh, सेल करना है ठीक है ऑफलाइन ही बात करते हैं मान लो हमें को प्रोडक्ट सेल करना है और हमने सबको बताया है हमारे पास चार पांच बायर आए हुए हैं फॉर एग्जांपल तो हम क्या करेंगे जो भी हाईएस्ट प्राइस चार्ज चार्ज कर बो बता रहा है हमें हम उसे ही देंगे ऑफकोर्स ठीक है लोएस्ट वाले के तो हम देखेंगे देंगे नहीं हम हमारा फ़ायदा तो देखेंगे तो वैसे ही यहाँ पे द बायर हु हैज कोटेड द हाइस्ट बीड प्राइस इज एलिजिबल टू परचेज द प्रोडक्ट उसको वो प्रोडक्ट परचेज करने मिल जाएगा The buyer may have the option to decline the purchase before the payment, final payment is made. dekhiye buyer ke paas option available hai ki wo ye transaction cancel kar sake before final payment. Payment हो गया उसके बाद नहीं हो सकता. लेकिन before payment, final payment वो कर सकता है transaction cancel कि भाई मुझे buy नहीं करना है. ठीक है ये तो बात हो गई sell. Third activity. फॉर दिस पेमेंट बायर क्या करेगा अब जो भी जिस बायर ने हाईएस्ट प्राइस कोट किया था उसे बाय करने को मिलेगा परचेस करने मिलेगा तो उसके बाद वो पर्सन क्या करेगा पेमेंट करेगा बायर पेमेंट करेगा द बायर मेक्स द पेमेंट द वर्चुअल साइट हैज़ टू प्रोसेस द पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड द पेमेंट इज देन रेमिटेड टू द बायर आफ्टर डिडक्टिंग द सर्विस चार्ज देखिए अब जो बायर है जो बाय करने वाला है वो पेमेंट करेगा यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ठीक है अब क्या होगा सेलर को पैसे रेमिट करने हैं बराबर इसलिए उन लोगों ने क्या द पेमेंट इज डेमिटेड टू द बायर आफ्टर डिडक्टिंग सर्विस चार्ज सर्विस चार्ज डिडक्ट किया जाएगा जब भी पैसे रेमिट होते हैं मतलब जब पैसे बायर ने पैसे दे दिए ठीक है अब वो पैसे सेलर को मिलने चाहिए क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट सेल कर रहा है लेकिन साइट क्या करेगी कुछ सर्विस चार्ज डिडक्ट कर देगी ऑफकोर्स वो एज ए इंटरमीडिएट काम कर रही है ठीक है दोनों का फायदा करवा रही है तो वो कुछ तो चार्ज करेगी तो इसके लिए आफ्टर सर्विस चार्ज पैसे रेमिट किए जाएंगे मतलब चुकाए जाएंगे ठीक है तो ये हमने कुछ देख लिया सी टू सी के बारे में कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन के बारे में जहाँ ट्रेडिंग होने वाला है बिटवीन कंज्यूमर टू कंज्यूमर अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स देख लिया कि ई कॉमर्स के क्या क्या टाइप्स थे और उसे हमने डिटेल में पढ़ लिया नाउ नेक्स्ट हम कुछ टॉपिक देखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया हमारे इंडिया में जो ई कॉमर्स डेवलप हुआ पहले नहीं था ट्रेडिशनल स्टोर्स थे फिजिकल स्टोर्स थे मार्केट में जाके ही हमें आ, सारी ही चीज़ें लेनी पड़ती थी लेकिन अभी आजकल ई कॉमर्स डेवलप हो गया है एंड आफ्टर लॉकडाउन हम बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को अब हैबिट हो गई है ऑनलाइन ही परचेज करने की ताकि घर पे ही गुड्स आ जाए मटीरियल आ जाए प्रोडक्ट आ जाए लेने जाने की ज़रूरत ना पड़े तो ये सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही है ई कॉमर्स डेवलप हुआ है उसका हम प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे तो फर्स्ट उन लोगों ने हमें बताया ट्रांजिशन टू ई कॉमर्स इन इंडिया ट्रांजिशन का मतलब जो पहले फिजिकल स्टोर्स हुआ करते थे अभी भी है अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसका लेकिन वहाँ से अभी लोग मूव हो रहे हैं ई कॉमर्स पे वहाँ से लोग बाइंग uh, करना पसंद करते हैं तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ से ट्रेडिशनल स्टोर से ई e कॉमर्स पे तो वो उसके बारे में हम कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ बताया है ओवर द ईयर्स ई कॉमर्स हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन इंडिया स्पेशली बी टू बी ई कॉमर्स देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रो हुआ है बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है नाउ इन 2026 द ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया वाज वैल्यूड एट यूएस डॉलर 30 बिलियन 2000 में इतना वैल्यू uh, किया गया था जो भी ट्रेडिंग हुआ था उसकी वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड टू क्रॉस यूएस डॉलर 120 बिलियन बाय 2020 उसके बाद 2020 के लिए इतना एक्सपेक्ट किया गया एंड फर्दर टू यूएस डॉलर 220 बाय 2025 ठीक है टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव में अभी और इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है यूएस डॉलर टू थाउजेंड डॉलर टू ट्वेंटी ठीक है ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिया है जो आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए उसमें आ सकता है नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन टू ई कॉमर्स इन इंडिया कौन कौन से रीजन्स रहे जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिशन हुआ ई e कॉमर्स के लिए तो वो हम पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट हमें बताया है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूजर्स देखिए अब हमें खुद को भी हम हमारी बात करें तो हमें पता है कि हम जो पहले आ, पाँच साल पहले सात साल पहले जो इंटरनेट जिस तरीके से यूज़ करते थे और अब जब आज हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितना डिफरेंस है या फिर पहले जितने लोग इंटरनेट यूज़ करते थे और आज जितने यूज़ करते हैं उसमें कितना फ़र्क है हम हमारे घर में ही देखें तो बहुत पहले सब लोग तो यूज़ नहीं करते थे इंटरनेट अभी कैसा है सारे ही यू लोग यूज़ करने लगे हैं ठीक है थीके? तो ये जो ग्रोथ हुआ है रैपिड ग्रोथ ऑफ़ इंटरनेट यूजर्स इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग डे टू डे बढ़ते ही जा रहे हैं तो ये एक आ, सबसे बड़ा खास रीज़न रहा है ई e कॉमर्स के ग्रोथ के लिए क्योंकि इंटरनेट यूज़ करके लोग फटाफट से बाइंग कर रहे हैं आजकल एंड ई कॉमर्स डेवलप हो रहा है तो देर इज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ़ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया द इंटरनेट यूजर इंक्लूड इंटरनेट सब्सक्राइबर्स एंड अदर्स हु यूज द इंटरनेट फ्राम अदर सोर्सेस जिन्होंने खुद जो खुद इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं वो तो यूज़ कर ही रहे हैं लेकिन अदर्स बाकी सारे लोग भी जो अदर सोर्सेस से यूज़ करते हैं वो भी बढ़ रहे हैं द इंटरनेट यूज़र्स हैव इंक्रीज कंसीडरेवली स्पेषली सिंस टू थाउजेंड देखिए टू थाउजेंड के ईयर से लोगों ने ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करना चालू कर दिया है ना अकॉर्डिंग टू आई ए एम ए आई इंटरनेट एंड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया इसके अकॉर्डिंगली द इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया हैव इंक्रीज फ्रॉम 350 मिलियन एज ऑफ जून 2016 टू 500 मिलियन एज ऑफ जून टू थाउजेंड एटीन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना देखिए इंटरनेट यूजर कितने बढ़ गए ये हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू आई ए एम ए आई इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया है ना इन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू देर वर सिक्स नाइन्टी टू मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया नीयरली एटी परसेंट ऑफ इंटरनेट यूजर्स यूज इंटरनेट थ्रू मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन से हम कहीं से भी फटाफट से ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसलिए एटी परसेंट ऑफ द यूज़र यूज़ करते हैं इंटरनेट थ्रू मोबाइल ठीक है अभी आजकल सबके ही पास स्मार्टफोन हो गए हैं तो सब ज़्यादा करके मोबाइल से ही यूज़ करते हैं इंटरनेट तो ये एक फर्स्ट uh, हमने रीज़न देख लिया जो बताता है ई कॉमर्स e के ग्रोथ के बारे में नाउ सेकेंड इज ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ ई कॉमर्स ग्रोइंग अवेयरनेस पहले कैसा था लोग अवेयर ही नहीं थे कि ऑनलाइन भी चीज़ें मिलती हैं एंड हम खरीद सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ये सारी ही इन्फॉर्मेशन के बारे में कस्टमर्स uh, अवेयर नहीं थे वो जाते थे मार्केट में ऑफलाइन शॉप्स में जाके परचेस कर लेते थे ठीक है लेकिन अब आजकल क्या हो गया है ऑफकोर्स इंटरनेट अवेलेबल है इसके लिए सब लोग मोबाइल uh, से फटाफट देख सकते हैं कि भाई कौन सी साइट पे क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है तो क्या हो जाता है इसकी वजह से कस्टमर अवेयर हो जाता है आ, क्या कर सकते हैं कस्टमर क्या कर सकते हैं भाई ऑनलाइन सर्च करो हमें कोई प्रोडक्ट लेना है ऑनलाइन क्या प्राइस पे मिल रहा है ऑफलाइन जाके देखेगा क्या प्राइस पे मिल रहा है उसको जहाँ पे बेनिफिशियल है वो चला जाएगा वहाँ पे ई को ऑनलाइन उसको ज़्यादा बेनिफिट है तो वहाँ से वो बाइंग कर लेगा ठीक है इसके लिए क्या हो गया है कस्टमर अभी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो गए हैं उसकी वजह से भी ई कॉमर्स काफ़ी ग्रो कर रहा है now in india awareness of e-commerce is increasing which gives a big boost to online business there is growing awareness among businessmen regarding the potential of internet even the small and medium enterprises smes are using the net facilities for b2b b2c and b2g transaction देखिए ये एक कुछ थिंकिंग बताई है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ बिजनेस कि बिज़नेसिस भी अवेयर हो गए हैं इंटर inter, कि इंटरनेट अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं फ्यूचर में भी बढ़ेंगे इसके लिए हम जो कोई बिजनेस कर रहे हैं अगर वो हम ई e कॉमर्स के थ्रू करते हैं तो हमारा बिज़नेस और भी ग्रो हो सकता है ठीक है तो इसके बारे में बिजनेसिस भी अवेयर हो गए हैं एंड जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसिस रहते हैं ठीक है वो बिजनेसेस भी क्या कर रहे हैं नेट फैसिलिटीज यूज़ कर रहे हैं फ्रॉफ बी टू बी ट्रांजेक्शन बिजनेस टू बिजनेस मतलब खुद का रॉ मटेरियल जो लेना है गुड्स लेना है उसके लिए बी टू सी ट्रांजेक्शन कस्टमर के साथ सेलिंग करना है बी टू जी गवर्नमेंट के साथ जो ट्रांजेक्शन करने सारे ट्रांजेक्शन के लिए अब ये स्मॉल बिजनेसिस भी क्या करते हैं नेट यूज करते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट उन लोगों ने बताया देर इज़ ऑल्सो ग्रोइंग अवेयरनेस अमॉन्ग द एंड कस्टमर्स ड्यू टू द एडवर्टीजमेंट बाई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स देखिए लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं उसकी वजह से कस्टमर्स भी अवेयर हो गए हैं देखिए साइट्स लाइक फ्लिपकार्ट एमेजॉन स्नैपडील एंड अदर्स ऑल्सो साइट्स सचेज क्विकर डॉट कॉम एंड अदर्स एनकरेज सी टू सी ट्रांजेक्शन ये सारे बी टू बी के एग्जाम्पल थे जो क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं काफ़ी सारी जिसकी वजह से कंज्यूमर मोटिवेट होते हैं अवेयर होते हैं एंड देन वो मोटिवेट होते हैं बाइंग करने के लिए सेम वे ये जो हमने क्विकर डॉट कॉम ई वे डॉट कॉम ये सारे ही जो एग्जाम्पल uh, हमने देखे थे वो सी टू सी के लिए भी कस्टमर को मोटिवेट करते हैं कि वो वहाँ से ट्रांजेक्शन करें ठीक है तो ये कुछ uh, ये हमने सेकेंड रीज़न देख लिया ग्रोइंग अवेयरनेस अवेयरनेस ऑफ ई कॉमर्स नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास अब हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि अब हमारी कंट्री में क्या हो रहा है मिडिल क्लास बढ़ रहा है ठीक है जो भी हमारी टोटल पब्लिक है पॉपुलेशन है उसमें मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है एंड ये मिडिल क्लास ज़्यादा होने की वजह से अभी उनका कैसा हो गया है परचेजिंग पावर भी बढ़ गया है इनकम लेवल उनका बढ़ गया है क्योंकि पहले कैसा था एक ही पर्सन अर्न करता था घर में अभी कैसा हो गया है हस्बैंड एंड वाइफ बोथ दोनों ही वर्किंग होते हैं तो इनकम लेवल बढ़ गया है मिडिल क्लास लोगों में एंड उनकी वजह से उनका परचेसिंग पावर भी बढ़ गया है तो वो लोग उसकी वजह से ज़्यादा पसंद करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू शॉपिंग करना बाइंग करना तो ये एक बोल सकते हैं मेजर रीज़न है ई कॉमर्स के ग्रोथ का कि हमारी कंट्री में मिडिल क्लास ग्रो हो गया है इसके लिए ई e कॉमर्स भी ग्रो हो रहा है द साइज ऑफ मिडिल क्लास इज एवर इंक्रीजिंग इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ़ मिडिल क्लास कस्टमर्स रिजल्टेड इन इंक्रीज इन इनकम लेवल ऑफ द पीपल

हो रहा है क्योंकि मिडिल क्लास की इनकम भी साथ ही में बढ़ रही है ठीक है इनकम लेवल बढ़ने की वजह से ई e कॉमर्स भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो ये एक रीज़न हो गया ग्रोथ ऑफ़ मिडिल क्लास नाउ नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ऑफ कोर्स पहले लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन ज़्यादा नहीं था और हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी कंप्यूटर एजुकेशन बहुत बाद में आता था ठीक है लेकिन अभी कैसा हो गया है कंप्यूटर uh, एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी से सीखने लगते हैं कंप्यूटर तो सारे ही लोगों को अभी आ गया है कंप्यूटर यूज़ करना तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन uh, करता है ई e कॉमर्स के ग्रोथ में क्योंकि अगर कंप्यूटर एजुकेशन है तो वो पर्सन अच्छे से uh, देख सकता है क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑनलाइन साइट पे बाइंग एंड सेलिंग के सारे ऑप्शन वो देख सकता है एंड बाय कर सकता है तो कंप्यूटर एजुकेशन हैज इंक्रीज कंसिडरेबली इन इंडिया मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, स्पेशली इन अर्बन एरियाज इम्पार्ट कंप्यूटर एजुकेशन देर फॉर टीन एजर्स एंड यंगस्टर्स फाइंड इट इजियर एंड कन्वीनियंट टू ब्राउज द इंटरनेट इंटरनेट विजिट द ऑनलाइन साइट एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली प्लेस ऑर्डर क्योंकि अभी कंप्यूटर एजुकेशन सबके पास हो गया है तो मोस्टली टीन एजर्स एंड यंगस्टर्स भी जानते हैं कि कैसे साइट सर्च करना है प्रोडक्ट सर्च करना है एंड ऑर्डर प्लेस करना है ये उनको भी आता है तो इसकी वजह से ई e कॉमर्स का ग्रोथ हो रहा है ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन नाउ नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ ऑफ़ सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर की हम बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर हो जाएगा जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जैसे बैंकिंग है इंश्योरेंस है ठीक है ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं सर्विस सेक्टर के ट्रांसपोर्टेशन हम बोलेंगे वो हो जाएगा सर्विस सेक्टर तो अब ये जो ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हुआ है तो क्या हुआ है इन लोगों ने भी अपना वेबसाइट डेवलप कर लिया है कस्टमर को कस्टमर ऑनलाइन ही उन उसकी सर्विस देख सकता है एंड अवेल कर सकता है ठीक है तो ये भी एक रीज़न रहेगा ई कॉमर्स डेवलप होने का ग्रोथ होने का नाउ देर हैज़ बीन अ गुड ग्रोथ ऑफ सर्विसेस सब सेक्टर्स लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस टेलीकॉम एयरलाइन एक्सेट्रा सर्विस सेक्टर्स आर इंक्रीजिंगली रिसोर्टिंग टू एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि हम बैंकिंग की बात करें तो पैसे के पहले कैसा था हमें सारे ही ट्रांजेक् ट्रांजेक्शन्स करने बैंक में जाना पड़ता था फिजिकली अब क्या हो गया है इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होती है नेट बैंकिंग की फैसिलिटी जहाँ पे हम लॉग इन करके काफ़ी सारी सर्विसेज वहाँ से ही यूज़ कर सकते हैं स्टेटमेंट देख सकते हैं चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं एफडी कर सकते हैं शेयर्स बाइंग सेलिंग कर सकते हैं तो क्या हो गया टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ठीक है इसीलिए सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है ना फॉर इंस्टेंस इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बैंक ब्रांचिज हैव बीन कम्प्यूटराइज देयर फॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर बैंक टू ऑफर इंटरनेट फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर्स ऑल्सो एयरलाइंस इंश्योरेंस फॉर्म्स एंड अदर्स हैव ओपन वेबसाइट टू ऑफर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सर्विसेज ये सारे ही लोगों ने भी खुद का वेबसाइट बना लिया है जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन uh, देते हैं अपनी सर्विस की द कस्टमर्स कैन लॉग लॉग इन टू द साइट एंड मे ट्रांजेक्ट बिजनेस ऑनलाइन विद द सर्विस फॉर्म मतलब कस्टमर जब भी चाहे इनकी साइट एक्सेस करके सर्विसेज देख सकता है एंड अवेल कर सकता है तो ये रहा फिफ्थ रीजन ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर नाफ़ सिक्स वन इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लाइफ स्टाइल वेस्टर्न लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी कंट्री के लोगों को अब वो क्यों इन्फ्लुएंस कर रही है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है जहाँ पे हम सारे ही इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं ठीक है <coughs> प्लस काफ़ी सारे लोग अभी अब्रॉड जाते हैं आते हैं तो कंट्री में लोगों को नॉलेज है कि कैसे वेस्टर्न लाइफस्टाइल है कैसे लोग रहते हैं एंड उसकी वजह से वो लोग इन्फ्लुएंस हो गए हैं उनकी लाइफ से तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स uh, या सर्विसेस हमारी कंट्री के लोग भी लेना चाहते हैं एंड यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी वजह से भी ई e कॉमर्स का ग्रोथ हुआ है काफ़ी सारा नाउ इंडियन यूथ स्पेशली इन द अर्बन एरियाज आर इन्फ्लुन्स बाय वेस्टर्न कल्चर टू सम एक्सटेंट और द अदर

तो वो प्रोडक्ट्स उनको मिलेंगे कहाँ से कहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग में ही मिलेंगे ऑफलाइन में वैसे ऑप्शनस उन्हें अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि ऑनलाइन में हमने देखा था कि वर्ल्ड वाइड सारे ही सेलर हम देख सकते हैं एंड प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं तो इन लोगों को वहाँ से काफ़ी सारा आ, स्कोप मिल जाता है बाइंग के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं ठीक है थीके? तो ये एक रीज़न हुआ ई e कॉमर्स के ग्रोथ का कि इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल नाउ नेक्स्ट देखते हैं ग्रोइंग कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन की हम बात करें तो ऑफलाइन मार्केट में भी कॉम्पिटिशन काफ़ी सारा होता है एंड ऑनलाइन में भी कॉम्पिटिशन काफ़ी सारा रहता है ठीक है बहुत सारे वेबसाइट आजकल अवेलेबल है तो कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है ठीक है तो उससे बेनिफिट कस्टमर को होता है क्यों होता है सेलर क्या ट्राई करेगा कि भाई कस्टमर को अच्छे से अच्छी कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिले तो वो हमारे ही साइट से बाय करने वाला है ठीक है तो ये जो इस चीज़ को करने के लिए सेलर क्या करेगा ऑफर्स देगा या डिस्काउंट देगा ताकि कस्टमर को कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिले एंड उसकी वजह से कस्टमर उसकी साइट से प्रोडक्ट ले तो ये कंपटीशन एक हेल्प कर रहा है कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने के लिए ई कॉमर्स के थ्रू तो देर इज़ ग्रोइंग कॉम्पिटिशन इन इंडिया अमोंग इंडियन बिजनेस फॉर्म्स एंड ऑल्सो बिज एंड फॉरन फॉर्म्स इन लोगों के बीच में भी कॉम्पिटिशन काफ़ी हो रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरन ब्रांड्स आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। फॉरेन ब्रांड्स भी अवेलेबल होती है हमारे इंडियन मार्केट में विच कम्पीट विद इंडियन ब्रांड्स देर फॉर बिजनेस फॉर्म्स इंडियन एंड फॉरेन मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू इंड्यूस कस्टमर टू बाय देर प्रोडक्ट फिजिकली और थ्रू ऑनलाइन कंपटीशन ऑफ़ ऑफकोर्स बहुत बढ़ गया है एंड हमारे इंडियन फॉर्म एंड फॉरेन फॉर्म में भी बढ़ गया है तो क्या होगा फॉर्म हमेशा क्या करेगा कि कस्टमर को वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करे खुद के साइड से परचेज करने के लिए तो ये एक रीज़न हमने देख लिया नैक्स्ट इज इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन देखिए ई कॉमर्स जो ऑनलाइन हम बोलते हैं बाइंग करना शॉपिंग करना ये जो सर्विस ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है वो मोस्टली यूज़ होता है अर्बन एरिया में रूरल एरिया में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना नहीं जानते ये काफ़ी ही रीज़न्स की वजह से रूरल एरिया में ज़्यादा ई e कॉमर्स यूज़ नहीं होता है अर्बन एरिया में ही मोस्टली ये यूज़ होता है एंड अब क्या हुआ है uh, आज के ज़माने में अर्बनाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है मतलब रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है एंड उसकी वजह से ई कॉमर्स का ग्रोथ बढ़ रहा है तो देट इज़ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 1951, अबाउट सेवेंटीन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज एट प्रेजेंट ओवर ऑफ़ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया देखिए पहले 17 परसेंट जितने लोग रहते थे अब 30 परसेंट से भी ज्यादा लोग रहते हैं अर्बन एरिया में द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ एन एडवांटेज ओवर रूरल पॉपुलेशन टर्म्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग एजुकेशन फॉर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अर्बनाइजेशन विल फ्यूअल द ग्रोथ ऑफ़ ई कॉमर्स इन इंडिया रूरल एरिया की कंपेरिजन में अर्बन एरिया में uh, लोग एजुकेटेड ज़्यादा रहते हैं उसकी वजह से वो लोग ई e कॉमर्स ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं एंड इसकी वजह से ग्रोथ होता है हमारे ई e कॉमर्स का इंडिया में तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमने एट फैक्टर्स देख लिए जो बताते हैं जो रीज़न्स है हमारे ट्रांजेशन ऑफ ई ई-कॉमर्स इन इंडिया या फिर हम बोल सकते हैं जो ग्रोथ हुआ है ई कॉमर्स इन इंडिया उसके रीज़न्स हैं नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं जो है अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन फॉर्म देखिए अब ये जो भी हमारा ई कॉमर्स डेवलप हुआ है उसमें इंडियन फॉर्म के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो हम देखते हैं द ट्रांजेशन टू ई कॉमर्स प्रोवाइड एक्सेलेंट चैलेंजेस टू इंडियन इंडस्ट्रीज द अपॉर्चुनिटीज आर ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू कस्टमर्स एंड द ग्लोबल रीच मेड पॉसिबल बाई इंटरनेट सम इंडस्ट्रीज दैट कैन ग्रैप द अपॉर्चुनिटीज आर एस फॉलोज कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ई कॉमर्स ग्रो कर सकता है तो सबसे फर्स्ट उन लोगों ने बताया है ट्रैवल एंड टूर्स ट्रैवल एंड टूर्स बहुत ग्रो कर रहा है हमारे इंडिया में ये फील्ड बहुत ग्रो कर रहा है तो साथ ही अगर ई e कॉमर्स की बात करें ई कॉमर्स यूज़ किया जाए तो यह और भी बहुत ग्रो कर सकता है तो ट्रैवल एंड टूर्स इज मेजर सोर्स ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया कस्टमर्स कैन ऑप्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द टूर पैकेज ऑफर्ड बाय वेरियस टूर ऑपरेशंस लुकिंग ऑफ एयरलाइंस और रेलवे सीट्स एंड सो ऑन अगर हमें कहीं जाना हो टूर पे घूमने जाना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम फिज़िकली ही जाके सर्च करें सारी इन्फॉर्मेशन अभी आजकल ऑनलाइन ही ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है एंड दूसरा क्या है टिकट बुकिंग करना हो होटल बुकिंग करना हो तो ये सारी ही चीज़ें हम ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स तो ये एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि स्कोप हो गया है ई कॉमर्स में न सेकेंड इज़ बैंकिंग बैंकिंग की जब हम बात करते हैं बैंकिंग में अभी uh, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सारी ही सर्विसेज के लिए बैंक में फिज़िकली जाएं। बैंकिंग फैसिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं घर बैठे ही ठीक है कैसे हम इंटरनेट से लॉगिन कर सकते हैं नेट बैंकिंग यूज़ करके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के एंड वहाँ पे हम काफ़ी सारी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं ठीक है कोई हमें पेमेंट करना हो तो वो भी हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ करके पेमेंट भी कर सकते हैं तो बैंकिंग स्पेशली इन एरियाज ऑफ आर टी जी एस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इंटरनेट बैंकिंग एंड सो ऑन देखिए सारी ही फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल हो गई है बैंकिंग में नाउ इंश्योरेंस सेक्टर थर्ड इज़ इंश्योरेंस अब इंश्योरेंस की बात करें तो हम इंश्योरेंस करवाते हैं क्यों रिस्क कवर करने के लिए फ्यूचर में जो हमें लगता है रिस्क है आ, हमारी लाइफ को, को है या फिर हमारी प्रॉपर्टी को है या फिर हमारे व्हीकल को है तो हम क्या करते हैं उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो ये फैसिलिटी भी अभी कैसी हो गई है ऑनलाइन हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर लाइफ व्हीकल हाउस प्रॉपर्टी एक्सेट्रा द इंटरनेट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टाइप्स ऑफ पॉलिसीज बिजनेस में भी अगर हमें हमारी प्रॉपर्टी या स्टॉक का इंश्योरेंस लेना हो तो हम ले सकते हैं इज़ीली जो इंटरनेट पे क्या हो सकता है हमें टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ देखने मिलती है ऑफर्ड बाय वेरियस इंश्योरेंस फ्राम विथ रिस्पेक्ट टू प्रीमियम एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पर हमें सारी ही चीज़ें मिल जाती है कि भाई हम किस अमाउंट पे पॉलिसी ले सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है प्रीमियम कितना रहेगा सारी डिटेल हमें मिल जाती है नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट भी हमें पता है ये तो स्टॉक uh, मार्केट तो विदाउट इंटरनेट हम नहीं सोच सकते अभी ठीक है तो ये स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो स्टॉक मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज द इंटरनेट प्रोवाइड्स वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस लिस्टेड कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट बुक वैल्यू अर्निंग पर शेयर प्राइस मूवमेंट्स एक्सेट्रा जब हम स्टॉक मार्केट पे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो कंपनी के बारे में हम सारी ही डिटेल्स जान सकते हैं प्रॉफिट कितना कर रहा है कंपनी ठीक है उसके अर्निंग पर शेयर क्या है प्राइस मोमेंट्स क्या है एंड बाकी बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है वहाँ से तो ये बात हो गई स्टॉक मार्केट की नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी सर्विस कंसल्टेंसी सर्विसेज की हम बात करेंगे तो कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर्ड बाय वेरियस कंसल्टिंग फॉर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स लीगल सर्विसेज एक्सेट्रा जब भी, भी हम बिजनेस की बात करेंगे तो क्या होता है बिजनेस नया प्रोडक्ट लॉन्च करता रहता है या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है ठीक है कुछ नई ब्रांच ओपन कर रहा है तो ये सारी ही चीज़ों के लिए क्या होता है उसे कंसल्टेशन करना पड़ता है कंसल्टिंग सर्विस उसे लेनी पड़ती है ठीक है तो वो सारी ही सर्विस प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन कस्टमर्स कैन कॉन्टैक्ट ऑनलाइन द कंसल्टेंसी फॉर्म फॉर द रिक्वायर्ड सर्विसेज सारी सर्विस कस्टमर ऑनलाइन अवेल कर सकता है नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर्ड बाय वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स रिलेटिंग टू अब कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज हो सकती है फिजिकल फिटनेस डाइट कंट्रोल मेडिसिन एक्सेट्रा ये सारी ही जो सर्विसेज होती है हेल्थ केयर की वो भी अभी ऑनलाइन अवेलेबल होती है फॉर इंस्टेंस पीपल कैन ऑप्टे इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वेरियस फैसिलिटीज एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाई वेरियस हॉस्पिटल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड अभी जो कस्टमर uh, को या पेशेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए हॉस्पिटल रिलेटेड उसे वो ऑनलाइन देख सकता है ठीक है तो ये uh, एक चीज़ हो गई दूसरी चीज़ फिजिकल फिटनेस डाइट कंट्रोल मेडिसिन ये चीज़ों के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती है कंसल्टेशन मिलता है ऑनलाइन तो ये आ जाता है एक हेल्थ केयर सर्विस में ये भी बहुत ही बड़ा स्कोप हो जाता है ई e कॉमर्स में नाउ नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड रिटेल ट्रेड फॉर परचेज एंड सेल ऑफ़ गारमेंट्स होम अप्लाइंसिस मोबाइल्स एक्सेट्रा फ़ोन्स कैमे कैमराज एक्सेट्रा अब रिटेल ट्रेड मतलब बिजनेस जो कस्टमर्स को सेलिंग करेंगे अब उसमें तो हमें पता ही है कि हम गिन भी नहीं सकते उतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन किसी भी कस्टमर के लिए बाय करने के लिए तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा स्कोप हो गया है ई e कॉमर्स के अंदर द इंटरनेट प्रोवाइड्स

एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी ग्रो uh, हो गया है ई e कॉमर्स में काफ़ी सारी एजुकेशनल सर्विसेज मिल रही है ऑनलाइन ठीक है मेनली हम कहेंगे लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही हो रहा था एंड वो ऑनलाइन अभी भी चल रहा है ठीक है एजुकेशन सेक्टर मे गेन कंसिडरेबली ड्यू टू ई कॉमर्स फैसिलिटी ई कॉमर्स प्रोवाइड्स अ गुड स्कोप फॉर ऑनलाइन ट्यूटरिंग फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स इंग्लिश एंड सो ऑन सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट अभी अवेलेबल है ऑनलाइन एजुकेशन नाउ ऑल्सो द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ लोड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कोर्सेस ऑफर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड हमें कुछ यूनिवर्सिटी से आ, कोई कोर्स करना हो तो भी हम सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से अवेल कर सकते हैं ठीक है वहाँ देख सकते हैं हम प्लस ऑनलाइन uh, ट्यूटरिंग भी अवेलेबल होता है जो अभी हम खुद भी कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये सारी ही चीज़ें किस में आती हैं एजुकेशन सेक्टर में आती हैं ठीक है थीके? तो ये हमने कुछ एट पॉइंट्स देख लिए स्टूडेंट्स जो हमें बताते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन फॉर्म्स कि इंडियन फॉर्म्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इन ई कॉमर्स तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्टॉप करेंगे आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आ, कोई कमेंट्स हो तो बता सकते हैं कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आ, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना थैंक यू सो मच